हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट थ्रू सीपीपी यानी के C++ ये जो सब्जेक्ट है इसकी जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम कंडक्ट की गई थी प्रीवियस सेमेस्टर की, उसका जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है 2023 का, ये जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उसके एक्सपेक्टेड आंसर आपको कैसे राइट करने चाहिए, देन हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ प्रोग्राम क्वेश्चंस, इसमें जो भी प्रोग्रामिंग पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर आपको कैसे राइट करने चाहिए, और आपको प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में किस पॉइंट को कितने मार्क रहते हैं ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट पॉइंट है ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क, अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन के कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपको एक्सपेक्टेड आंसर कैसे राइट करने चाहिए, तो ये सारे पॉइंट जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो है SYBBA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट थ्रू सीपीपी इस सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो एग्जाम है अक्टूबर 2022 की थी, लेकिन ये एग्जाम जो है डिले हो गई थी, तो ये जो पेपर है कंडक्ट किया गया था 13 जनवरी 2023 को। तो ये जो है प्रीवियस सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मैक्सिमम 70 मार्क्स का था, और इसे सॉल्व करने के लिए जो है आपको 2.5 घंटे का टाइम मिला हुआ था। तो इसमें किस टाइप में क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके एक्सपेक्टेड आंसर आपको कैसे राइट करनी चाहिए, ये जो है अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 है, अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ 10। तो यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 2 मार्क के लिए राइट करना है, और इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क के लिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क का, ये जो है आपको पूछा जाता है। तो इसमें किस टाइप में क्वेश्चन आए थे, तो इसमें क्वेश्चन ए है व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पर जो है आपको इनकैप्सुलेशन क्या है उसकी जो है यहाँ पर डेफिनेशन राइट करनी है, और इसके अलावा आपको 1 एग्जांपल भी लिखने की जरूरत है, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट 1 क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। तो ये जो दोनों टर्म है उनकी जो है यहाँ पर आपको डेफिनेशन राइट करनी है, हर एक डेफिनेशन के लिए जो है आपको 1 मार्क रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है व्हाट इज इनलाइन फंक्शन। तो यहाँ पर जो है आपको इनलाइन फंक्शन जो है एक्सप्लेन करना है, और उसका कोई भी 1 एग्जांपल या फिर उसका सिंटैक्स आपको जो आता है वो जो है आपको आंसर में लिखने की जरूरत है, तभी आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है एक्सप्लेन गेट एंड पुट फंक्शन। तो यहाँ पर जो है आपको गेट फंक्शन और पुट फंक्शन इसलिए यूज किए जाते हैं, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसका जो सिंटैक्स है वो जो है राइट करने होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई है व्हाट इज स्ट्रीम। तो यहाँ पर जो है आपको स्ट्रीम क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एफ है डिफाइन फ्रेंड फंक्शन। तो यहाँ पर जो है आपको फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन राइट करनी है, और देन फ्रेंड फंक्शन का आपको सिंटैक्स भी राइट करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी है एक्सप्लेन द यूज ऑफ न्यू ऑपरेटर स्टेट द सिंटैक्स। तो यहाँ पर जो आपको न्यू ऑपरेटर का सिंटैक्स राइट करना है, और न्यू ऑपरेटर का जो यूज है ये भी राइट करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये चाहे स्टेट द नीड ऑफ वर्चुअल कीवर्ड। तो यहाँ पर जो है वर्चुअल कीवर्ड की नीड क्या है ये जो है आपको राइट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आए स्टेट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स इन सीपीपी। तो यहाँ पर जो है आपको C++ में जो भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं वो जो है आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं, एटलीस्ट 2 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स यहाँ पर आपको लिखने होंगे विद द सिंटैक्स। और लास्ट 1 जे क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो है आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कौन सा है वो जो है सबसे पहले आपको उसका सिंटैक्स ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपको उसका क्या यूज है वो जो है एटलीस्ट 2 यूज जो है आपके आंसर में होने जरूरी है। तो इस तरीके से जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और उसके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको इस फॉर्मेट में लिखने की जरूरत है, यानी आपको जो भी 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर में आपके एटलीस्ट जो है 2 पॉइंट होने जरूरी है। यदि आपको डेफिनेशन पूछी गई है या फिर व्हाट इज से क्वेश्चन पूछा गया है तो वो जो डेफिनेशन है वो भी राइट करनी है,
उसका सिंटैक्स है, फिर उसका एग्जाम्पल कोई ना कोई जो है आपको राइट करना ही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन टू जो है, इसमें जो है टोटल आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 4 मार्क के लिए राइट करना है। तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी टोटल 16 मार्क के लिए जो है आपको रहने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन ए है, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन एनी वन कंस्ट्रक्टर विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के जो टाइप है वो जो है लिस्ट डाउन करने हैं, वो टाइप लिखने के लिए जो है आपको 1 मार्क रहेगा, और उसमें से कोई भी आपको जो भी आता है वो 1 टाइप जो है आपको कंस्ट्रक्टर का एक्सप्लेन करना है विद द एग्जाम्पल। तो वो जो है एक्सप्लेन करने के लिए जो है आपको 1 मार्क रहेगा, और उसका एग्जाम्पल जो है राइट करने के लिए 2 मार्क रहेंगे। इस तरीके से जो है मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, व्हाट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है ये जो है लिखना है, उसके लिए जो है आपको 1 मार्क रहेगा, और फंक्शन ओवरलोडिंग का कोई भी 1 एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पर राइट करना है, उसके लिए जो है आपको 3 मार्क्स रहेंगे। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर जो है आपको इनहेरिटेंस के जो है टाइप्स लिखने हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले जो है आप इनहेरिटेंस के टाइप लिखने के लिए सबसे पहले जो है ट्री चार्ट ड्रॉ कीजिए, उसमें इनहेरिटेंस के टाइप जो है वो मेंशन कीजिए, और उसके बाद हर एक टाइप और उसका जो है एक्सप्लेनेशन आप जो है राइट कीजिए। इस फॉर्मेट में जो है आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आप जो इनहेरिटेंस के टाइप जो ट्री चार्ट में जो भी ड्रॉ करेंगे उसके लिए जो है आपको 1 मार्क रहेगा, तो आपके आंसर में जो है वो ट्री चार्ट होना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, एक्सप्लेन वर्चुअल बेस क्लास विद सुटेबल डायग्राम। तो वर्चुअल बेस क्लास क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, और वर्चुअल बेस क्लास की जो डायग्राम है वो जो है आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, और वो जो डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे उसके बेसिस पर जो है आपको एक्सप्लेनेशन भी राइट करना है। यानी आप जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके लिए 1 मार्क, आप जो वर्चुअल बेस क्लास की जो डेफिनेशन राइट करेंगे उसके लिए 1 मार्क, और जो आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके बेसिस पर जो एक्सप्लेनेशन राइट करेंगे उसके लिए 2 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, डिस्क्राइब फाइल मैनिपुलेटर्स विद देयर सिंटैक्सेस। तो यहाँ पर जो है आपको फाइल मैनिपुलेटर जो है राइट करने हैं विद देयर सुटेबल सिंटैक्स। ओनली राइट नहीं करने हैं, जो भी मैनिपुलेटर आप राइट करेंगे उसका सिंटैक्स भी आपको मेंशन करने की जरूरत है, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 2 रहेगा, जिसमें आपको जो है ज्यादातर थ्योरेटिकल बेसिस पर जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है, इसमें भी आपको टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं, और इस तरीके से ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी टोटल 16 मार्क के लिए जो है आपको पूछा जाएगा। तो इसमें किस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इसमें क्वेश्चन ए, राइट अ C++ प्रोग्राम टू कॉपी कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल। तो यहाँ पर जो है आपको C++ में का प्रोग्राम राइट करना है टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल इंटू द अनदर फाइल। तो आपको जो है यहाँ पर फाइल हैंडलिंग का जो है प्रोग्राम राइट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफेरेंसेस ऑफ सर्कल यूजिंग इनलाइन फंक्शन। तो यहाँ पर जो है आपको इनलाइन फंक्शन का जो है प्रोग्राम राइट करना है। तो इस प्रोग्राम में जो है आपने इनलाइन फंक्शन यूज किया है या नहीं किया है ये आंसर में चेक किया जाएगा, और उसके बाद जो आपको एरिया और सर्कमफेरेंस जो है सर्कल की कैलकुलेट करनी है उसके जो फॉर्मूला है वो आपने अच्छे तरीके से लिखे या नहीं लिखे है ये जो है आपके आंसर में चेक होने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, डिक्लेयर अ क्लास व्हीकल, डिराइव क्लासेस आर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल यूजिंग द मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। तो यहाँ पर जो है आपको बेस क्लास डिक्लेयर करना है, और उसके बाद जो है उसके डिराइव क्लास जो है आपको यहाँ पर यूज करने हैं, और इसमें जो है आपको मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास ये जो कंसेप्ट है ये जो है आपको यूज करनी है। तो ये जो है आपके आंसर में चेक किया जाएगा, आपने मेंबर फंक्शन जो है क्लास का यूज किया है या नहीं किया है। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डी, राइट द C++ प्रोग्राम टू यूज
सेट फाइल एंड सेट आईओ फ्लैग मैनिपुलेटर्स। तो यहां पर देख लीजिए आपको जो है मैनिपुलेटर्स पर बेस जो है यहां पर प्रोग्राम राइट करना है। और इससे पहले जो आपको सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी आपको मैनिपुलेटर्स जो है वो जो है पूछे गए थे एक्सप्लेनेशन के लिए, और यहाँ पर जो है मैनिपुलेटर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। यानी आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं वो जो है आप ये भी मैनिपुलेटर्स वहां पर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में जो है आए हुए हैं तो ये भी आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैनिपुलेटर पर बेस्ड जो है आपको प्रोग्राम राइट करना है। और लास्ट क्वेश्चन ई है इसमें, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू कंपेयर टू स्ट्रिंग यूजिंग ओवरलोड ऑपरेटर इज इक्वल टू। तो यहाँ पर जो है इज इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो है आपको यहाँ पर प्रोग्राम राइट करना है। तो ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है टोटली बेस्ड है आपका प्रोग्रामिंग पर। तो ये जो भी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है ये तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट ही नहीं करते, लेकिन आपको अगर वो जो प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है उसमें जो लॉजिक है वो नहीं आता है तो भी आप जो है हेडर फाइल डिक्लेयर कीजिए, उसमें जो वेरिएबल्स है वो डिक्लेयर कीजिए, आपको जितना लॉजिक आता है उतना तो आप एटलीस्ट राइट कीजिए, जिससे आप जो है वो जो क्वेश्चन है उसके कुछ ना कुछ तो मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। अगर आपने एटलीस्ट हेडर फाइल लिखी, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, अगर जो इनपुट एक्सेप्ट करना है उसका कोड राइट कर दिया, तो एटलीस्ट जो है आपको उस क्वेश्चन के वन मार्क तो एटलीस्ट मिल ही सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप डायरेक्टली और को मत डालिए, इसमें जितना आपको आ सकता है वो उतना राइट करने की कोशिश कीजिए। आप हेडर फाइल डिक्लेयर कीजिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन कीजिए, क्लास डिक्लेयर कीजिए। आपको अगर लॉजिक नहीं आता है तो यहाँ पर देख लीजिए आप, अगर आपको सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, सर्कमफेरेंसेस फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला नहीं आता है तो आप एटलीस्ट वो जो फंक्शन है वो तो राइट कीजिए। तो आपने कुछ ना कुछ राइट किया तो जो है आप कुछ ना कुछ तो मार्क जो है यहाँ पर कैरी कर सकेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो आप जो है उसका जीरो मार्क कैरी कर सकेंगे। तो इसलिए जो है आप कुछ ना कुछ हेडर फाइल, क्लास डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनपुट एक्सेप्टेंस, इतना जितना आपको आता है उतना राइट करने की कोशिश जरूर कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ जो है, इसमें भी टोटल फाइव क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से किसी भी फोर क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने है। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क के लिए जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन ए, ट्रेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन इट, अज्यूम्स देयर इज नो सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पर जो है आपको ट्रेस द आउटपुट का प्रोग्राम है, और ये जो प्रोग्राम है इसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है, ये कंसिडर करके ही आपको आउटपुट ट्रेस आउट करना है। यानी सिंटैक्स एरर यानी कि कहीं पर सेमीकोलन मिसिंग है वगैरह, इस टाइप की एरर जो है आपको कंसिडर नहीं करनी है। ओके, तो ये जो है ओनली लॉजिकल एरर हुई कोई तो ही आपको कंसिडर करनी है, लेकिन ट्रेस द आउटपुट के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादातर लॉजिकल एरर नहीं दी जाती है, तो उसका जो आउटपुट है वो जो आपको है ट्रेस आउट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या किया हुआ है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ग्लोबली इंट आई एंड जे, उसके बाद क्लास लिया हुआ है सैंपल, पब्लिक मेथड डिक्लेयर की है सैंपल, उसमें टू वेरिएबल यूज किए इंट ए इज इक्वल टू जीरो, इंट बी इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद आई और जे वेरिएबल को ए और बी की जो है वैल्यू असाइन की गई है, और उसके बाद शो मेथड जो है कॉल की गई है, और जो शो मेथड है उसमें जो है जे की वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रिंट की गई है। उसके बाद ये जो मेन क्लास है उसमें क्या किया है, ये जो है सैंपल मेथड कॉल की गई है और उसे वैल्यू सेंड की गई है 5 और 10, और इसमें कोड क्या लिखा है आगे इंट, उसके बाद जो है ए एड्रेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई एंड एड्रेस ऑफ वाई इज इक्वल टू जे, ये जो है डिक्लेरेशन किया हुआ है, उसके बाद आई प्लस प्लस और जो है एक्स और वाई की वैल्यू जो है यहाँ पर प्रिंट की गई है। तो ये जो प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले जो है मेन फंक्शन कॉल किया जाएगा, और मेन फंक्शन में लिखा है सैंपल और उसे वैल्यू पास की गई है 5 और 10। तो ये जो 5 और 10 वैल्यू है यहाँ पर देख लीजिए ए और बी वेरिएबल में आ जाएगी, उसके बाद ए और बी वेरिएबल, ए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो जो है आई वेरिएबल को असाइन की गई है, और बी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो जे को असाइन की गई है। ओके, तो यानी कि यहाँ पर जो है आई में जो है 5 वैल्यू आ गई और जे में जो है 10 वैल्यू आ गई, उसके बाद शो मेथड कॉल की गई है और शो मेथड में जे की वैल्यू प्रिंट की गई है, यानी जे की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी 10।
उसके बाद यहां पर देख लीजिए, आई की वैल्यू जो है एड्रेस ऑफ एक्स को असाइन की गई, यानी आई का जो एड्रेस है वो असाइन किया गया है एक्स को, जे का एड्रेस असाइन किया गया है वाई को, यानी यहाँ पर जो है वैल्यू नहीं असाइन की गई है, एड्रेस असाइन की गई है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आई प्लस प्लस, यानी आई की जो भी वैल्यू है वो जो है वन से इंक्रीज हो जाएगी, तो आई की वैल्यू है फाइव, तो आई की वैल्यू वन से इंक्रीज हो गई तो फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिक्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्रिंट किया गया है एक्स की वैल्यू, तो एक्स में कौन सी वैल्यू है, तो एक्स में एड्रेस है आई का, यानी आई की वैल्यू आप कितनी है, सिक्स है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक्स पहले मिल रहा है तो सिक्स वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद माइनस माइनस है, यानी उसके बाद जो है एक्स की वैल्यू जो है वन से डिक्रीज हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो है हमें आउटपुट में सिक्स वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद जो है प्लस प्लस वाई लिखा है, यानी वाई जिस एड्रेस को पॉइंट आउट करता है, कौन सा एड्रेस को पॉइंट आउट करता है, जे के, तो जे की वैल्यू कितनी है आप, टेन, टेन की वैल्यू जो है वन से इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर जो है प्रीफिक्स ऑपरेटर का यूज किया गया है, तो पहले जो है वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, टेन की वैल्यू जो है इलेवन हो जाएगी, और इलेवन वैल्यू जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले जे की वैल्यू, जे की वैल्यू कितनी थी, टेन, उसके बाद एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सिक्स, और उसके बाद जो है वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इलेवन। तो हमारा आउटपुट आएगा टेन सिक्स इलेवन, और उसका जो है आपको एक्सप्लेनेशन राइट करना है। तो एक्सप्लेनेशन में अभी जो मैंने बताया है, यहाँ पर जो है पोस्टफिक्स ऑपरेटर यूज किया है, यहाँ पर प्रीफिक्स ऑपरेटर का यूज किया है, यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज किया है, यही सारी बातें जो है आपको उसके एक्सप्लेनेशन में राइट करनी है। तो यहाँ पर ट्रेस द आउटपुट, जो है आपने आउटपुट ट्रेस किया तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे, और आपने ये आउटपुट कैसे आया है उसका एक्सप्लेनेशन राइट किया तो उसके जो है आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। इस तरीके से जो ये ट्रेस द आउटपुट का क्वेश्चन है, इसके जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो इस फॉर्मेट में आपको कोई ना कोई फोर्थ क्वेश्चन में आपको वन जो है ट्रेस द आउटपुट टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन ट्राई कैच एंड थ्रो इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पर जो है ट्राई कैच ब्लॉक जो है आपको यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो यूज किया जाता है वो जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में आप जो है उसका सिंटेक्स राइट कीजिए, उसके बाद ट्राई में क्या लिखते हैं, कैच और थ्रो में क्या लिखते हैं, ये जो है उसका एक्सप्लेनेशन राइट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, डिजाइन सी प्लस प्लस क्लास विच कंटेन फंक्शन डिस्प्ले, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ टाइम्स डिस्प्ले फंक्शन इज कॉल्ड यूज स्टैटिक डेटा मेंबर। तो यहाँ पर जो है आपको प्रोग्राम राइट करना है और उसमें जो है आपको स्टैटिक डेटा मेंबर का जो है यूज करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रक्टर विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले डिस्ट्रक्टर क्या है ये जो है लिखना है, उसके लिए 1 मार्क। देन डिस्ट्रक्टर के जो है आपको इम्पोर्टेंस राइट करने हैं, उसके लिए जो है आपको 1 मार्क, और डिस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल राइट करना है उसके लिए जो है आपको 2 मार्क। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज टोकन्स इन सी प्लस प्लस, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो यहाँ पर जो है सी प्लस प्लस में जो भी टोकन्स यूज किए जाते हैं वो जो है आपको विद एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर राइट करने हैं। तो इस तरीके से जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 1 जो है आपको ट्रेस द आउटपुट टाइप का क्वेश्चन, और 1 जो है आपको प्रोग्रामिंग पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और अदर रिमेनिंग 3 जो क्वेश्चन है वो जो है थ्योरेटिकल बेस्ड जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस फॉर्मेट में आपका फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, और लास्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें जो है आपको शॉर्ट नोट राइट करनी होती है, टोटल 3 शॉर्ट नोट रहेगी, उसमें से किसी भी 2 शॉर्ट नोट के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको जो है 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा, तो टोटल जो है इस तरीके से 6 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन आपका फिफ्थ रहने वाला है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें क्वेश्चन ए है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो ये जो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस ये जो कंसेप्ट है वो जो है आपको विद एग्जाम्पल जो है यहाँ पर राइट करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो कंसेप्ट है ये जो है आपको एक्सप्लेन करनी है, और उसका जो है 1 एग्जाम्पल भी यहाँ पर राइट करना जरूरी है। और लास्ट जो है आपको शॉर्ट नोट डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होती है ये जो है आपको विद एग्जाम्पल जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आपका शॉर्ट नोट के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस फॉर्मेट में जो है जो जनवरी 2023 में एग्जाम कंडक्ट हुई थी उसका जो है ये क्वेश्चन पेपर है, और इसके जो है एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको इस फॉर्मेट में राइट करने होंगे। जो क्वेश्चन 1 रहेगा 2 मार्क का, इसमें जो है आपको आंसर जो है एटलीस्ट 2 पॉइंट में लिखने हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है
ये जो है आपका प्योरली थ्योरेटिकल बेसिस पर रहेगा, तो इसके आंसर में जो है आपके एटलीस्ट 4 पॉइंट होने जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है ये जो है प्योरली प्रोग्रामिंग पर बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। तो मैंने अभी जो आपको बताया था, जो भी प्रोग्राम आपको कंप्लीट नहीं आता होगा तो भी आप जो है कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखिए, तभी जो है आप कुछ ना कुछ मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन क्वेश्चन 4 जो है इसमें 1 जो है आपको ट्रेस द आउटपुट टाइप का क्वेश्चन, 1 प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन, और 3 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहने वाले हैं। और लास्ट जो 5th क्वेश्चन है ये जो है प्योरली थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जो भी आप एक्सप्लेनेशन राइट करेंगे वो जो है आपको विद एग्जांपल राइट करने की जरूरत है। तो इस फॉर्मेट में जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट थ्रू सीपीपी ये जो सब्जेक्ट है उसका जो है क्वेश्चन पेपर रहा था, जो एग्जाम जनवरी 2023 में कंडक्ट हुई थी उसका। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी अदर जो सब्जेक्ट है आपके उनके जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर है उसके फॉर्मेट के बारे में या फिर उसके आंसर कैसे राइट करने चाहिए इसके बारे में भी जानना है, तो उन सब्जेक्ट के नाम जो है मुझे कमेंट कर दीजिए, उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश में जरूर करूंगा। अगर ये वीडियो जो है आपको पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।